Step B. Question number 4. A trader provide the following information. Again, उसी तरह का कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्या फॉर्मेट होता है जी? फॉर्मेट होता है मेरे भाई ओपनिंग कैपिटल, ऐड करते हैं इसमें प्रॉफिट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट या है नहीं, लेस करते हैं हम इसमें से ड्रॉइंग्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल. मुझे बताएं सवाल में क्या चीज़ गिवन है. ओपनिंग कैपिटल गिवन है 25,000, यहाँ लिख दें ओपनिंग कैपिटल. प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट हमें फाइंड करना है. फिर ड्रॉइंग्स गिवन है, ड्रॉइंग्स कितनी है 7500, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं नॉर्मली हम. और जो क्लोजिंग कैपिटल है अगर आप देखें वो हमें यहाँ पे गिवन है. कैसे गिवन है? यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है हमारे पास क्लोजिंग में, एक दिया हुआ है एसेट्स और एक दिया हुआ है लाइबिलिटी. कैपिटल कैसे आता है भाई? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. तो मैं क्या करूँगा, 75,000 एसेट्स हैं जिसमें से 36,500 हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज हैं, तो माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाएगा. कैपिटल आ रहा है 38,500. अब क्या कर लें, रिवर्स वर्किंग कर लें, क्लोजिंग कैपिटल से चलेंगे, जो ड्रॉइंग माइनस होती है उसको ऐड कर दें और जो ओपनिंग कैपिटल ऐड होता है उसको माइनस कर दें. तो 38,500 प्लस 7,500 माइनस 25,000, तो जो बचेगा वो क्या है, प्रॉफिट. और कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 21,000. तो आंसर क्या बना हमारा, डी. अगर आंसर आता नेगेटिव में, मतलब ये प्रॉफिट नहीं होता, फिर ये लॉस होता नेगेटिव.